के प्रमुख परिमंडल भाग एक के बारे में आपके साथ बहुत सारी रोचक जानकारियाँ साझा करने वाली हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपको पठार, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पर आपको जलाशय दिख रहे हैं, कहीं पर आपको मैदान दिख रहे हैं। तो जब हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा करते हैं, तो अब हम आज वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, इन सब के बारे में जानकारी साझा करेंगे। भूगोल के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है, और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन बहुत महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसमें तुम क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, और जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। ऊपर आसमान की तरफ देखिए, क्या हम आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं? या ऊपर आकाश में क्या मौजूद है जिसके बारे में इंसान हमेशा प्रयासरत रहता है कि हम अपने वायुमंडल के बारे में जानकारी हासिल करें? ऐसी कौन सी गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं? या सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, और कौन सी ऐसी गैस है जो हम बाहर छोड़ते हैं? या पेड़ पौधे कौन सी गैस को लेते हैं और कौन सी जीवनदायी गैस को देते हैं? तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित हैं। अगर पानी को गैस पे उबलने रख दो तो भाप बन जाती है, और उसी को ठंडा कर लो तो वो जल बन जाता है, और अगर जल को पानी को रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो बर्फ बन जाती है। और आपने हिमालय पर देखा होगा कि बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। जल की तीनों अवस्थाएं बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित हैं। अब हम जीव मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यहां पर सभी प्रकार के अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव आदि। अब हम भूमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपका मकान बना हुआ है, जहाँ पर आपका विद्यालय है, वो पृथ्वी का ठोस भाग है, उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। अब अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप मिट्टी, जब आप खुदाई करते हैं तो मिट्टी की पतली पतली परतें निकलती हैं, वहाँ गड्ढा हो जाता है और हम उसमें पेड़ को, पौधे को लगा देते हैं। तथा यहाँ इन परतों में बहुत सारे जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नामों से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको पता लगाना है, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये हमारा भूमंडल है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना भी की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है?
तो समुद्र बहुत गहरा होता है और जब हम पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर जाना असंभव है, और कई कई पर्वतों पर मानव ने चढ़ने की कोशिश की और उस पे वो फतह भी पा चुके हैं। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नॉर्गे 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जूंको तोबई विश्व की सबसे पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं विश्व के महाद्वीप, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप जैसा कि मैंने आपको बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अब ये तो बताओ तुम किस देश में रहते हो? हम भारत में रहते हैं। और भारत कौन से महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में रहते हैं। भारत एशिया की महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र का एक तिहाई भाग में फैला हुआ है। तो एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो इसे यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भागों को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और यूरोप की स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या शून्य अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। इसके लिए आपको अफ्रीका का मैप बहुत ध्यान से देखना होगा और आप इन तीनों रेखाओं को अफ्रीका के किन किन भागों से वो होकर गुजरती हैं उनका नाम ढूंढना होगा। अब उत्तर अमेरिका के बारे में आपसे मैं कुछ बातें साझा करती हूँ। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। तो आइए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, तो स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है? तो स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। और जल संधि पानी का वो सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताइए।
तो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जो जल संधि जोड़ती है उसे द पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। अब हम दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला द एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैली हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी द एमेजॉन बहती है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आती है एंटार्क्टिका की बारी। एंटार्क्टिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परतें से एंटार्क्टिका ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास संभव नहीं है। आप बहुत देर तक किसी भी बहुत ठंडी जगह पर नहीं रह सकते हैं, और एंटार्क्टिका पर तो मोटी मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, जिस वजह से मानव जीवन वहाँ संभव नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र वहाँ पर स्थित हैं। भारत का भी शोध केंद्र एंटार्क्टिका में स्थित है, जिसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो अन्य देशों के साथ भारत का भी शोध संस्थान एंटार्क्टिका में स्थित है। अब आती है जलमंडल की बाड़ी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल और सिर्फ 29% भाग ही स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल में जल वाष्प सम्मिलित हैं। ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर साइकिल को दिखाया गया है और कितना प्रतिशत हमारे अलवण जल पृथ्वी पर मौजूद है वो भी दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप सभी के घर में जल आता होगा और आप जल को पीते भी होंगे। तो क्या जल में कोई स्वाद होता है? लेकिन आप उसमें नमक को घोल दीजिए तो जल का स्वाद खारा हो जाता है। और अगर नहीं तो आप जिस जल को दिन भर पीते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वो इतना अधिक खारा होता है कि मानव के वो किसी भी उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जल कूप हैं और बोर से पानी आता होगा। तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। अगर आप खारे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उंगलियां कट जाएंगी, आपके कपड़े स्वच्छ नहीं रहेंगे और बहुत दिनों तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसी कारण जो पृथ्वी है हम उसको नीला ग्रह कहते हैं। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। बहुत सारे देशों में पानी बहुत कम मात्रा में मौजूद है, और ऐसा भी माना जाता है कि आगे आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो पानी की वजह से होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कहीं पे भी आप बहता हुआ स्वच्छ जल अलवण जल को देखें तो तुरंत उसको बंद कर दें। बहता हुआ पानी नाले में जाता है और अलवण जल नुकसान होता है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।